brought to you by Higher. Let's do this. Fill it up. Let's do this now. संसद के शीतकालीन सत्र में 28 नवंबर का दिन गांधी परिवार के लिए बेहद खास रहा। अब से संसद की कार्यवाही में एक नहीं बल्कि गांधी परिवार के 3-3 सांसद होंगे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहले से ही सदन में मौजूद हैं। अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा का। सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं, जबकि राहुल गांधी लोकसभा में रायबरेली की सीट से सांसद हैं। वायनाड सीट से लोकसभा चुनाव जीती प्रियंका गांधी ने 28 नवंबर को सांसद पद की शपथ ली, वो भी बिल्कुल भाई राहुल गांधी के अंदाज में। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने हाथ में संविधान की प्रति रखकर शपथ ली थी। उसी तरह प्रियंका गांधी ने भी शपथ के दौरान संविधान की एक कॉपी रखी हुई थी। प्रियंका गांधी राज्यसभा सांसद और अपनी मां सोनिया गांधी नेता प्रतिपक्ष और अपने भाई राहुल गांधी के साथ संसद पहुंची थी। साथ में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा, बेटे रेहान वाड्रा और बेटी मिराया वाड्रा भी नजर आए। संसद में घुसने से पहले राहुल और प्रियंका के बीच भाई और बहन वाला बेहद प्यारा सा सामंजस्य भी देखने को मिला। प्रियंका संसद में एंट्री लेने ही जा रही थी कि राहुल ने उन्हें रोका और फोन निकाल कर कहा, स्टॉप, लेट मी ऑल्सो टेक वन, मतलब रुको मैं भी एक फोटो ले लूं। राहुल ने प्रियंका की फोटो खींची, उसके बाद सभी अंदर गए। बहरहाल संसद शुरू हुई, प्रियंका के शपथ लेने की बारी आई। उनके दाएं हाथ में संविधान की एक छोटी कॉपी थी और दूसरे हाथ की उंगलियां शपथ के शब्दों को फॉलो कर रही थी। सुनिए। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। शपथ लेकर लौटते वक्त प्रियंका ने मीडिया से बातचीत भी की। हाथ में संविधान लेकर शपथ लेने के सवाल पर प्रियंका ने कहा, हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर हाल में हुए उपचुनाव में धमाकेदार जीत हासिल की थी। दरअसल इसी साल जून में आए लोकसभा के नतीजों में राहुल गांधी यहां से जीते थे। इसके अलावा राहुल रायबरेली से भी जीते थे। दोनों सीटों में से राहुल ने रायबरेली की सीट को चुना और वायनाड की सीट छोड़ दी। इसके बाद वहां 13 नवंबर को उपचुनाव हुए, जहां प्रियंका गांधी को जीत मिली है। उन्होंने CPI के सत्यन मुकेरी को 4,10,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। बीजेपी की तरफ से इस सीट पर नव्या हरिदास मैदान में थी। प्रियंका गांधी ने चुनाव जीतने के बाद एक्स पर एक बड़ा सा पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने वायनाड के लोगों, पार्टी कार्यकर्ताओं, नेताओं और अपने बच्चों का भी आभार जताया था। उन्होंने लिखा, मेरे प्यारे वायनाड के भाइयों और बहनों, आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ आप वास्तव में महसूस करें कि ये जीत आपकी जीत है और आपने जिस व्यक्ति को अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है वो आपकी आशाओं और सपनों को समझता है और आपके अपने में से एक के रूप में आपके लिए लड़ता है। मैं संसद में आपकी आवाज़ बनने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे ये सम्मान देने के लिए धन्यवाद और उससे भी ज़्यादा प्यार के लिए जो आपने मुझे दिया है। फिलहाल आपके लिए इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है उपासना और आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।